ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात करेंगे उन्नत झारखंड की। झारखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रघुवर सरकार लगातार काम कर रही है और इस कड़ी में सिमडेगा में दीदी कैफेटेरिया बनाया गया है जिसे गरीब महिलाओं का ग्रुप बनाकर उन्हें सौंपा जाएगा। इस कैफेटेरिया में लोगों को शुद्ध भोजन परोसा जाएगा। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सिमडेगा में बना दीदी कैफेटेरिया का मकसद ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है जिससे उनकी आमदनी बढ़े और साथ में घर में उनको पूरा सम्मान मिले। रघुवर सरकार दीदी कैफेटेरिया को गाँव की गरीब महिलाओं का ग्रुप बनाकर उन्हें सौंपेगी। इसके लिए संचाल गाँव की महिलाओं का चयन किया गया है। इस कैफेटेरिया में लोगों को वाजिब कीमत पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिलेगा। ये एक होटल के रूप में चलेगा, इसमें शुद्ध शाकाहारी मांसाहारी दोनों व्यंजन मिलेगा और इसको संचालन के लिए गांव की गरीब महिलाओं का एसएचजी ग्रुप बनाकर दिया गया है। रघुवर सरकार के आदेश पर नगर पंचायत ने इस कैफेटेरिया का निर्माण कराया है। सिमडेगा बार काउंसिल के बगल में बना ये खूबसूरत दीदी कैफेटेरिया अभी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी दीवार पर शानदार पेंटिंग से इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। साथ ही यहां साफ सफाई का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। इसके जरिए ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकेंगी। इससे उन लोगों का आर्थिक स्वावलंबी बनेगी और उनका अपना आर्थिक समृद्धि शक्तिशाली सशक्तिकरण होगा। रघुवर सरकार की इस पहल से गांव की महिलाओं को उम्मीद की किरण दिख रही है। इन्हें इसी तरह मदद मिलती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं से कदम मिलाकर चल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।